दूसरे आंदोलन है, ये है, वो है, तो लेकिन हमने उस चीज़ की कोई परवाह नहीं करी। जो है ठीक है, हमारा मन एक, हर इंसान के अंदर एक परमात्मा ही बसता है, एक आत्मा, एक परमात्मा का वास होता है। जी जी। तो हमारी आत्मा ने बिल्कुल सिर्फ एक ही मन था कि भाई नहीं, ये हमारे सभी किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए जितना भी बन सके उतना कम है। तो हमने फिर शुरू में लंगर नहीं लगाया था, अब जैसे ग्राहक के रूप में किसान आए खाना खाने लगे तो बोलते थे कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट के लिए जब बोला उन्होंने तो हमारे से वो बात थोड़ी सी हमें फील हुई, मगर भाई हम डिस्काउंट एक अलग चीज़ है लेकिन हम इनको बिल्कुल फ्री देंगे। तो उसी दिन से हमने लगभग आज 25 दिन हो चुके हैं लगातार लंगर चल रहा है हमारा, और परमात्मा की दया से हर रोज के लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी खाना ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे लंगर चलता है हमारा। बिल्कुल 15 से 20 हज़ार लोग जेड़े इत्थे रोज डेली खाना ले रहे। एक बार फिर तो मैं कहूँगा विक्की दिखाया जाए, रियल पंजाबी ढाबा के उत्ते असी मौजूद हैगे हां, और ये बिल्कुल तुसी लाइव देख रहे हो, और बिल्कुल ये 5-स्टार सहूलतों वाला ढाबा है, कोई आम नहीं है ढाबा। और देखो तुसी किन्ना जज्बा है राम सिंह जी राणा, किन्ना वधिया इन्हां दे वल्लों ये जज्बा किया गया, उपलब्धि है बहुत वड्डी। और एक बार फिर तो तुहानूं लेआउट दिखा दिए, आ तुसी देख सकते हो कि किस तरह ये लेआउट किया गया। तुहानूं रसगुल्ले इत्थे मिलणगे, पूड़ियां लगियां होईयां ने, रोटी है, गर्म रोटी नाल दी नाल आ रही है, मिक्स वेज है, दाल है, राइस ने नाल पानियां, हर तरह की एक सहूलत है जो एक वधिया जिन्हों असी कहने कि जो वधिया तरीके दे नाल परोसिया भी गया। और इस ते ये तुसी देख रहे हो ये सारे इत्थे वीर रोटी खा रहे ने, अंदोलन का हिस्सा ने, और ये बहुत इन्हां दे लई एक चंगा उपराला किया गया। तुसी देख सकते हो ये तस्वीर, इस तों इलावा पूरी तरह जिन्ना भी इन्हां दे कोल अपने जिन्ने भी हीले वसीले ने सारा किसानों के लिए इन्हां वल्लों दिल खोलिया गया पूरा। होर भी तुहानूं शॉर्ट्स दिखावांगे, ये तुसी देख रहे हो राम सिंह जी राणा लगातार साडे नाल बने हुए ने। चलते चलते गल करते हैं सर, आजो हर वेले चाह का प्रबंध हैगा, ये तस्वीर देख सकते हो, ये तुसीं ये होटल है पूरा रियल पंजाबी ढाबा। और आम तौर पर जो तुसीं पंजाब तो या कितों भी तुसीं एयरपोर्ट पर जाने हो तो तुसीं ये ढाबा देख सकते हो, देखते होवोगे, पूरी हर तरह की सहूलत है जो एक चंगी थां ते जिहनूं कहिंदे असीं होनी चाहिए है। और एक बार मैं कहूँगा कि दिखाया जाए कितना वधिया ये उपराला किया गया इन्हां वल्लों, ये तुसीं देख सकते हो, और इत्थे पूरी तरह के नाल प्रबंध किया गया, और आ देख सकते हो, आ देखो तुसी अपनी ये जगह इन्हां दे वल्लों दित्ती गई है। इत्थे किसान वीर आराम कर रहे ने इस वरदे मीह दे विच, मौसम की मार किसी के उत्ते ना पवे, और ये उपराला इन्हां दे वल्लों किया जा रहा है, और बहुत वधिया ये खास जिहड़ा ये यतन है, बिल्कुल सलाम बनती है इन्हां दे इस उपराले नूं, इन्हां दी इस सोच नूं, क्योंकि बहुत घट लोग होंगे ने जिहड़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे नू सोचे बिना जिहड़े इस कदर अगे अगे वधदे ने, अगे तुरदे ने। सो ये बहुत बहुत एक खास इन्हां दा उपराला है। तुसीं लगातार लाइव तस्वीरां देख रहे हो तुसीं रियल पंजाबी ढाबा तो, इन्हां दे वल्लों बिल्कुल ये चीज़ां फ्री कीतियां गईयां ने। सो बहुता नहीं इन्हां दे उत्ते रोशनी मारदे क्योंकि आराम दा टाइम है, पर ये सिर्फ मंतव यही है, तुहानूं दिखाउण दा यही मंतव है कि इस तरह के भी लोग ने जिहड़े जज्बा रखते हैं और पूरी तरह हिमायत करते हैं। राम सिंह जी दस रहे थे कि प्रशासन के वलों भी कुछ दबाव बनिया, पर इन चीज़ों तो उत्ते उठ के इन वलों ये चीज़ सोची गई कि यार ये जिहड़ा अंदोलन है ये अपना जिन्ना भी इन्होंने सोचा। सो देखो तुसी क्या खूबसूरत ये ढाबा आम तौर पर, और किन्ना इत्थे लोग रुकते हैं, और पूरा ये इन्होंने हुण किसानी नूं समर्पित किया। सो बहुत वधिया वधिया गल आ, अगे भी देखते हैं। सो काफ़ी दिन हो गए ये जिहड़ा तुहाडे वल्लों उपराला चल रहा। हाँ जी, महीने से ऊपर हो गया, अब तो वाहेगुरु की कृपा से हम परमात्मा इतना प्यार मिल रहा है और बड़ा आनंद मिलता है इस। कभी भी आप अगर किसी का सेवा करोगे मन से तो अंदर से जो खुशी मिलती है उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं होता, और वो एक अलग ही फीलिंग आती है। कमाई तो सारी उम्र करनी होती है, जिंदगी बहुत लंबी है, कमाई सारी उम्र आगे बहुत लंबी जिंदगी है कर लेंगे, लेकिन इस टाइम जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे वो 6 महीने चले चाहे वो साल चले, मेरी तरफ से जो आज की तरह है और डे बाय डे जितना भी सुधार होएगा, सोने का, खाने का, रहने का, हर चीज़ फ्री दी जाएगी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पे, सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद से आज खड़े हैं। अच्छा अच्छा, राम सिंह जी आम तौर पर तुम इस बिजनेस के बच्चों मेन्यू पढ़ता, मैं कहा कि 150 रुपए की होंगी है एक दाल जी आम जो लोग लेंगे।
150 से 200 के बीच में दाल होती है। 150 200 के बीच। हां जी उस हिसाब से मुझे लगता है दिन की 10-15 हजार की दाल ही लग जाती होनी है।